हेलो फ्रेंड्स, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूँ। ये जो सेशंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए है। आप हम एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमको बहुत सारे कंसेप्ट के साथ हम डील करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स के साथ हम डील करते हैं, बट हमें उनका पूरा मतलब नहीं पता होता। दोस्तों, ऐसे ही एक वर्ड आता है कि इंटरनल ट्रेड मतलब क्या और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या। तो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड ये दो अलग अलग बात है। तो इंटरनल ट्रेड बहुत बार जब वर्ड पूछा जाता है तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट या बाकी भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे रह गए इनको भी ये वीडियो भेज दो, हमें कंसेप्ट तो पता होनी चाहिए कि क्या होता है। चलो मोटे मोटे तौर पे अगर बात की जाए तो सर इंटरनल ट्रेड मतलब क्या, ये लेक्चर दो पार्ट में होगा। पहले मैं जनरल बात बताऊंगा और सेकेंड जो 11th बिजनेस स्टडी जिनका सब्जेक्ट है CBSE बोर्ड हो या महाराष्ट्र बोर्ड हो, उन बच्चों को लिखने को भी आसान जाए इसलिए मैं आपको कुछ बातें पढ़ के भी समझाऊंगा। लेकिन पहले जनरल अंडरस्टैंडिंग, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि सर और मैडम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल किया जाएगा विद इन द कंट्री उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है या फिर होम ट्रेड कहा जाता है। समझ में आया? कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल किया जाएगा विद इन इंडियन टेरिटरी या विद इन कंट्री उसे मैं क्या कहूंगा, इंटरनल ट्रेड कहूंगा। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुछ भी बेचो अगर इंडिया के अंदर है तो इंटरनल ट्रेड में होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर होता है इंटरनल ट्रेड में, आपके कंट्री का जो लोकल करेंसी है वही यूज होता है। जैसे इंडिया की बात करूं तो क्या आएगा, रुपीस आएगा मालिक। देन आफ्टर तीसरा पॉइंट इसका फ्यूचर का यह होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बराबर वो मिनिमम रहते हैं एज कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड। वहां पे हमको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और लॉस को फॉलो करना पड़ता है, जबकि उसके कंपेरिजन में इंटरनल ट्रेड में इतने रूल्स नहीं बनाने पड़ते। आपको तो ये भी पता होगा जैसे सोल ट्रेडर राइट, कि सिंगल बिजनेस जो सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, वन मैन बिजनेस, आपने ये तो आपने अब तक पढ़ा ही रहेगा। तो उसको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या वो बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता है? हां सर कर सकता है। वो उससे ज्यादा उतना रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता। हां डिफर करेगी बातें ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सिंगल सोल ट्रेडर हो गया, कंपनी हो गया, बट लोकल बिजनेस इंटरनल ट्रेड में कंपेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन कम फॉलो करने पड़ते हैं। और चौथा फीचर ऐसे होता है इंटरनल ट्रेड का कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बातें वहां पे यूज होती है। सर अब पढ़ के समझेगा क्या, एकदम सिंपल है, जो लिखना चाहता है एक बार ये ध्यान दे क्या है सर। ट्रेड रेफर्स टू विच ट्रेड, इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ओके, तो जनरल इन्होंने ट्रेड की बात की, ट्रेड क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। व्हेन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ कंट्री, मतलब क्या सर, इंडिया के अंदर ये जो लिमिट दिख रही है ना आपको, जियोग्राफिकल लिमिट यहां पे और यहां पे आपका वाटर भी आ जाएगा, वो लिमिट है तो राइट ध्यान दो। तो ये कहा हुआ है इट इज नॉन एज इंटरनल ट्रेड। उसके दो अलग अलग नाम है, अगर आपको पूछा जाए कि इंटरनल ट्रेड के कौन से अलग अलग नाम से वो जाना जाता है तो आप ऐसे वहां पे लिखना कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड। समझा? ओके, इंटरनल ट्रेड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मेड एंड सर्विसेज इन कंट्रीज नेशनल करेंसी, जैसे इंडिया में इंडियन रुपीस दिया जाएगा। ओके, एंड विद इन कंट्री हम कहां पे भी गुड्स सेल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैव टू पे नो कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी एज गुड्स आर पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड हिंस दे आर मीन टू कंजम्पशन विद इन द कंट्री। अगर हम बाहर से गुड्स लाते हैं, कहां से सर, सपोज यूएसए से गुड्स लेके आए, यहां पे ध्यान देना, आउट ऑफ कंट्री अगर सपोज म्यांमार से हम गुड्स लेके आए और यहां से गुड्स आ रहा है कहां पे, इंडिया में, तो इनको जो कस्टम ड्यूटी है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो देना पड़ेगा। बट विद इन इंडिया के टेरिटरी में ही सब चीजें हो रही तो ये ड्यूटी चार्ज नहीं होती करके। यहां तक समझ गया? यस सर। मेन फीचर जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स क्या टेक्स प्लेस विद इन इंडियन विद इन अ कंट्री, यस सर। दूसरा, पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड होम करेंसी ओनली, तो लोकल जो करेंसी उसमें ही पेमेंट मिलता है। देर आर नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू कंप्लीटेड बाय ट्रेडर्स, क्यों सर, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, लोकल ट्रेड की बात चल रही है। यहां पे देखो मैंने आपको समझाया था, राइट। एंड लास्ट पॉइंट सर आ जाता है, वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, तो लोकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होता है। तो ये चार पॉइंट के साथ ही आपका इंटरनल ट्रेड का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। सर मैंने आपको पहले जनरल बात बताई, ये चार फीचर भी पढ़ लिए, विद इन कंट्री लोकल करेंसी यूज होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन मिनिमम होते हैं या नहीं होते, और लोकल ट्रांसपोर्टेशन का यूज होता है, दैट इज योर इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट कंसेप्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, होलसेल ट्रेड मतलब क्या और रिटेल ट्रेड मतलब क्या। क्या दोस्तों आपको इंटरनल ट्रेड समझा? यस। क्या आपको ये इमेजेस याद रहेंगे चार?
within country, local currency, minimum rules and regulation and what local transport. That's it. आज के लिए इतना ही था. आपको अगर ये वीडियो की सीरीज पसंद आ रही तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. ओके, चलो, थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.